सभी को सुप्रभात। मैं स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बांसवाड़ा से कक्षा छह को संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। आप सभी कक्षा छह के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज से हम हमारे संस्कृत विषय का अध्ययन शुरू करेंगे। प्रथम पाठ है शब्द परिचय। आप सभी अपनी जो टेक्स्ट बुक है संस्कृत की, उसको ओपन करके रखेंगे। सर्वप्रथम हम इसका जो प्रथम तीन जो गद्यांश दे रखे हैं उनका हम उच्चारण करेंगे, उसको पढ़ेंगे। एष क एष च शक किम एष बृहत न एष लघु स क स शौचिक किं करोति किं सः खेलति न सः वस्त्रं सीव्यति एतौ कौ एतौ शुनकौ स्तः किं एतौ गर्जतः न एतौ उच्चैः बुक्कतः। ये तीन गद्यांश को पढ़ने के बाद इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं, शब्द आए हैं, जिनका अपन मीनिंग याद करेंगे और अपनी जो नोटबुक है संस्कृत की उसके अंदर नोट करेंगे। ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है इसका आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में अपनी जो भी आपने नोटबुक बनाई है उसमें नोट करेंगे। डेट वाइज ये जो मीनिंग मैंने लिख रखे हैं इसको शब्दार्थ बोला जाता है। एष मैंने यह, कह मैंने क्या, चचा का हमने ग्लास, ग्लास पानी का, बृहत मैंने बड़ा, बिग लघु मैंने छोटा स्मॉल, सब मैंने वह डैट, सोची का हमने दर्जी टेलर, विस्त्रम मैंने कपड़े क्लॉथ्स, शुनको मैंने कुत्ते डॉग्स, बुक्कत मैंने भोगते हैं। ये मीनिंग आपको अपने नोटबुक में नोट करने के बाद याद भी करना है और आगे असेसमेंट जो होगा आपका प्रथम परख होगा, टेस्ट होगा, उसके अंदर इस मीनिंग को पूछा जाएगा। अब अपन ने जो तीनों पैराग्राफ की रीडिंग की उसका अपन हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी अनुवाद ट्रांसलेशन को बोला जाता है अनुवाद। एशव का मीनिंग अपन ने पहले ही लिख रखा है। यह एशव मैंने यह, मने क्या है, एशव का ये पूरा एक सेंटेंस है, इसका हिंदी अनुवाद होता है यह क्या है। इस ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर है वो सेकंड सेंटेंस में दिया हुआ है। एशव च शकः, एशव मने यह, च शकः का मतलब होता है चषक बोलते हैं ग्लास को, तो यह ग्लास है। पहले क्वेश्चन का आंसर है एषः चषकः, यह ग्लास है। सेकंड सेंटेंस है किम मने क्या, एषः मने यह, बृहत मने बड़ा, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है। ग्लास की साइज के बारे में पूछा जाता है क्या यह ग्लास बड़ा है। ये छोटे छोटे जो वाक्य दे रखे हैं और इसलिए दे रखे हैं कि संस्कृत सिक्स क्लास में पहली बार अपने सामने आ रही है और अपन इसको सरल से कठिन की ओर जाना। अपन को पहले सरल जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको अपन को पहले लर्न करना है, उसके बाद आगे अपन थोड़े पैराग्राफ की ओर जाएंगे। किम एषः, क्या यह बड़ा है, इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट सेंटेंस में आप बुक में देखते जाओगे, बुक के अंदर पूरा लिखा हुआ है। न एषः लघु, न मने नहीं, एषः मने यह, लघु मने छोटा है, नहीं ग्लास की साइज क्या है छोटी है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। ये पहला आपका जो पैराग्राफ पूरा हो रहा है इसका रिवाइज करते हैं अपन। एषः कः, यह क्या है, एषः चषकः, यह ग्लास है, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है, न एषः लघु, यह नहीं यह छोटा
है। नेक्स्ट पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है, आप बुक में देखना, किताब में देखते जाइएगा। सह कह, सह में वह, कह माने कौन है, वह सह में वह, कह माने कौन है, इसका आंसर है सह शौचिक। सह माने वह, शौचिक माने दर्जी, टेलर जो कपड़े सिलता वह, सह शौचिक वह दर्जी है। अगला प्रश्न है शौचिक किम करोति, शौचिक माने दर्जी, किम ने क्या, करोति ने करता है, दर्जी क्या करता है, इसका आंसर है किम माने क्या, सह माने वह, खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है, तो इसका आंसर आया न माने नहीं, सह माने वह, विस्त्रम माने कपड़ों को, सिव्यति माने सिलता है, दर्जी क्या काम करता है, दर्जी कपड़े सिलने का कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर आया है न सह विस्त्रम सिव्यति, नहीं वह कपड़ों को सिलता है। इसका रिवाइज करेंगे सह माने वह, कह माने कौन, सह शौचिक वह दर्जी है, शौचिक किम करोति, दर्जी क्या करता है, किम माने क्या, सह माने वह, खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है, न सह वस्त्रम सिलेति, नहीं वह कपड़े सिलता है। इसको आप मीनू बीट पे जा करके बराबर इसके ट्रांसलेशन को आपको याद करना है, इसका ओरल टेस्ट जब भी स्कूल ओपन होंगे लिया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में एतौ कौ, एतौ माने ये दोनों, कौ माने कौन है, एतौ कौ, एतौ कौ, एतौ माने ये दोनों, कौ माने कौन है, एतौ शुंभौ स्तः, एतौ माने ये दोनों, शुंभौ माने कुत्ते, स्तः माने हैं, ये दोनों कुत्ते हैं, एतौ माने ये दोनों, शुंभौ माने कुत्ते, स्तः माने हैं, किम माने क्या, एतौ माने ये दोनों, गर्जतः गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है किम एतौ गरजतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, न नहीं, एतौ माने ये दोनों, उच्चे माने जोर से, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसमें यहाँ लिखा हुआ आएगा गरजतः की जगह आएगा बुक्कतः, क्या आएगा बुक्कतः, बुक्कतः का मतलब होता है भौंकते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, इसका रिवाइजेशन करेंगे एतो को, ये दोनों कौन है, एतो शुंकस्त, ये दोनों भौंकते हैं, किम एतो गर्जत, क्या ये दोनों गरजते हैं, न एतो उच्चे बुक्कतः, यह नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको यह सबसे पहले इसके मीनिंग लिख के याद कर लें, तीनों अलग अलग पैराग्राफ हैं, हर सेंटेंस को लिखकर मैंने इसका हिंदी अनुवाद लिख दिया है, आप अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे और इसको याद करेंगे, आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा और आपका यह संस्कृत विषय है और आपको इसी तरह से आगे अपन को सरलता से कठिन लिखी हो जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।